महासमुंद जिले की सरायपाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भवरपुर रोड अटल आवास के पास रोड किनारे भारी मात्रा में नशीली दवाई रखकर ग्राहक का इंतजार कर रहे तीन युवकों को पकड़कर भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की हैं। रायगढ़ जिले के सरिया थाना क्षेत्र में देर रात बारातियों से भरी एक वैन ट्रक से जा टकराई, जिसमें दूल्हा दुल्हन समेत छह बाराती घायल हो गए। घटना सरिया थाना क्षेत्र के सूरजगढ़ पुल के पास हुई। खुद को अपर कलेक्टर बताकर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लर्क भृत्य वाहन चालक पद पर सीधी भर्ती किए जाने का आश्वासन देकर पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी मुजाहिद अनवर को रायपुर की पुलिस ने जशपुर से गिरफ्तार किया है। बलरामपुर जिले के ग्राम मानपुर निवासी शिक्षक कमलेश गुप्ता के घर पर 12 जनवरी की रात नकाबपोश बंदूकधारियों ने जान से मारने की धमकी देते हुए बंधक बनाकर सोने चांदी के जेवरात सहित 2,20,000 की डकैती के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5,000 रुपए नकद और 315 बोर की 2 बंदूक बरामद किया है। बिलाईगढ़ के चर्चित हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों ने 21 वर्षीय लोमेश साहू का शव 2 दिनों तक टॉयलेट में छिपाकर रखा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लताड़ के बाद अब अधिकारी जागने लगे हैं। इसके साथ ही अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। कोरबा जिले में अवैध रेत का परिवहन करते 8 ट्रैक्टरों को जब्त किया है, साथ ही इसमें शामिल 5 लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। रायपुर में घूम घूमकर भीड़ भाड़ वाले अलग अलग स्थानों से 60 नग मोबाइल फोन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को रायपुर की सिविल लाइन पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर 10 लाख रुपए कीमत का 60 नग मोबाइल जब्त किया है। महासमुंद जिले की कोमाखान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध मादक पदार्थ गांजे की कार से परिवहन करते 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों से करीब 50 किलो गांजा जब्त किया गया, जब्त गांजे की कीमत 10 लाख रुपए बताई गई है। कुम्हारी में खारू नदी पुल पर एक ट्रक का पट्टा टूटने से चालक को बीच सड़क पर ही ट्रक रोकना पड़ा। इसके कारण पुल से होते हुए टोल प्लाजा व कुम्हारी के कांजी हाउस तक लगभग 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। जांजगीर जिले की शिवरी नारायण थाना पुलिस ने देर रात जुआ खेलते 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला मंत्री भी शामिल है। पुलिस ने जुआरियों के पास से 74,000 रुपए से ज्यादा की रकम बरामद की है। गरियाबंद के देवभोग इलाके के चेक पोस्ट में जमकर उत्पात मचाने और चेक पोस्ट पर पुलिस कर्मियों को लठौते के दम पर उनकी बुरी तरह से पिटाई करने वाले धान तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांजगीर में शुक्रवार शाम धान से भरे ट्रक ने एक वकील को कुचल दिया। हादसे में वकील की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा पामगढ़ थाने के ठीक सामने हुआ। नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर से कारखाना करतूत को अंजाम दिया है। जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर हिरंगई झारा में शुक्रवार की शाम नक्सलियों ने 3 ट्रक को आग के हवाले कर दिया। हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। जेवरा सिरसा स्थित जगदम्बा राइस मिल में काम करते हुए मजदूर रोलर में फंसकर बुरी तरह से घायल हो गया। उसे खून से लथपथ हालत में दुर्ग जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। जेवरा सिरसा पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। रायपुर के माना थाना क्षेत्र में एयरपोर्ट चौक पर तेज रफ्तार कार के डिवाइडर से टकराने से राजा तालाब निवासी कार चालक नबील खान की मौत हो गई। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के मार्गदर्शन में शुक्रवार की रात रायपुर जिले के अनेक क्षेत्रों में राजस्व पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और अवैध परिवहन करने वाले 20 वाहनों तथा हाईवा को जब्त किया।
अंबिकापुर के निमा उपार्जन केंद्र के निरीक्षण के दौरान ग्राम लहंगा का किसान वीरेंद्र सिंह 100 बोरी धान सूरजपुर जिले से बेचने आया था। वहीं एक किसान जगन्नाथ पैकरा पीडीएस दुकान से 20 बोरी नया जूट के बारदाने में धान लेकर आया था, जिसे देखते ही कलेक्टर ने जब्त करने के निर्देश दिए। कोरबा शहर में हो रही बाइक चोरी की घटना से आमजन चिंतित हो गए हैं। वहीं पुलिस के हाथ इन आरोपियों तक नहीं पहुंच रहे हैं, इससे चोरों के हौसले बढ़े हुए। कोतवाली पुलिस ने जांच उपरांत दो चोर को गिरफ्तार कर 3 दोपहिया वाहन जब्त किया है। जांजगीर जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र स्थित छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की शाखा में चोरों ने देर रात धावा बोल दिया। दीवार फांदकर अंदर घुसे चोर तमाम जद्दोजहद के बावजूद चोरी करने में नाकामयाब रहे, लेकिन चोरी की गई उनकी पूरी दास्तान जरूर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रायगढ़ शहर के नजदीक किरोड़ी में नगर के बाद दोपहर में जिंदल साइडिंग से निकली रेत पावर इंजन रायगढ़ स्टेशन आने के दौरान पटरी से तकनीकी फॉल्ट आने की वजह से दो चक्के डिरेल हो गए, जिससे बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। कवर्धा जिले में कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम कुआं मालगी स्थित धान खरीदी केंद्र में फर्जी एफसीआई अधिकारियों और किसानों ने खदेड़ा। बताया जा रहा है कि 4-5 युवक कुआं मालगी खरीदी केंद्र पहुंचे हुए खुद को एफसीआई का अधिकारी बता रहे थे। सिलतरा में 2 साल पहले उद्योगपति प्रवीण सोमानी का अपहरण करने वाले गैंग का लीडर पप्पू चौधरी रायपुर लाया जाएगा। पप्पू अपहरण के केस में गुजरात जेल में बंद है। पिछले साल 31 मार्च 2021 को उसे गुजरात पुलिस ने वहां के कारोबारी के अपहरण के केस में मुंबई से गिरफ्तार किया था। राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत लालू टोला की आश्रित ग्राम बापू टोला में दुकानदार ने मास्क नहीं लगाया था। बहुत समझाने के बाद भी मास्क नहीं लगाने पर कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने दुकान सील कर जुर्माना लगाने निर्देश दिए। बिलाईसपा संयंत्र में संयंत्र क्षेत्र में सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए शुक्रवार को प्रबंधन ने सीआईएसएफ को 11 मोटरसाइकिल सौंपी। इससे संयंत्र के पेट्रोलिंग गतिविधियों में तेजी आने के साथ ही संयंत्र की सुरक्षा को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। शुक्रवार को बेमेतरा जिले के पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम ने जिले में 37 वाहनों को रेत का अवैध परिवहन करते पकड़ा। वाहनों को संबंधित थाने में खड़ा किया गया है। बेमेतरा जिले में नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाने वाले दुष्कर्म करने के मामले में बेरला पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले की रिपोर्ट 26 जनवरी को नाबालिग के स्वजन ने दर्ज कराई थी। आवासीय योजना का पंजीयन नहीं करवाने तथा इसे बेचने की कोशिश कर रहे रायपुर के दो बिल्डरों मौली इन्वेस्टमेंट और शांति विजय डेवलपर्स की प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री पर छत्तीसगढ़ रेरा ने रोक लगा दी है। दोनों कंपनियों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी किया गया है। कांकेर जिले के चारामा में राजस्व एवं खनिज विभाग के संयुक्त दल ने अवैध उत्खनन कर अवैध परिवहन में लगे वाहनों की जांच कराई, जिसमें रेत के 19, ईंट के 2 और गिट्टी से भरे 2, इस प्रकार 23 वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। अवैध रूप से रेत के उत्खनन और परिवहन को लेकर मुख्यमंत्री के तेवर के बाद खनिज विभाग का अमला हरकत में आया। उतई और पाटन क्षेत्र में अवैध परिवहन करते 4 हाइवा को पकड़ा गया, जिसमें से 2 रेत और 2 चूना पत्थर से भरे थे। पकड़े गए वाहनों को नेवई थाने में खड़ा किया गया है। रायगढ़ जिले के डोंगरी पाली थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र एसैया ने क्षेत्र में अवैध महुआ शराब के कारोबार में सक्रिय एक आरोपी को अवैध शराब परिवहन करते हुए पकड़कर 40 लीटर महुआ शराब जब्त किया है।